हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और स्टडी कैसे चल रही है आप लोगों की? आई होप छुट्टियों का आनंद के साथ साथ स्टडी भी चल रहा होगा आप लोगों का। तो हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे। महाजनपद काल में मगध साम्राज्य सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा था और उसमें हमने कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ा। नंद वंश तक हम लोग पहुँच गए थे और उसी समय मैंने आपको बताया था कि कुछ विदेशियों का आक्रमण भी हुआ था। तो आज हम उन्हें विदेशियों के बारे में पढ़ेंगे और आगे फिर मगध के बाकी राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जो टॉपिक को, और आज का टॉपिक है प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। इसमें जो पहला आक्रमण करने वाले हैं वो पारसी ईरानी, यानी कि जो पारसी ईरानी है उन्होंने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया है। और जो पारसी ईरानी है इसमें आप देख सकते हैं कि जो राजवंश है जिसने आक्रमण किया था ये हकमनी राजवंश है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और हकमनी राजवंश के जो संस्थापक हैं वो साइरस सेकंड है जिन्होंने इस राजवंश की स्थापना की थी। साइरस सेकंड ने ही भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी या भारतीय सीमाओं पे आक्रमण किया था और उसे जीतने का प्रयास किया था लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी, तो ये जो है विजित नहीं कर पाए थे भारत को। इन्हीं के जो उत्तराधिकारी है आगे चल करके भारत पर सफलता आक्रमण करते हैं जिनका नाम दाराय बाहु है या दारा प्रथम या डेरिस प्रथम है। इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के कुछ क्षेत्रों को जैसे सिंध प्रांत, गांधार, काबुल, इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था और यहाँ पे इन्होंने टैक्स वगैरह वसूल किया था। ये माना जाता था इनके साम्राज्य का 20वां हिस्सा था और इन्हें यहाँ से भारी मात्रा में टैक्स की प्राप्ति होती थी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है कि सबसे पहले कौन से विदेशी थे जिन्होंने आक्रमण किया था, तो पारसी या ईरानी थे। किस वंश ने किया था, तो हकमनी वंश के शासकों ने किया था। और कौन सा शासक था जिसने प्रथम आक्रमण किया, तो साइरस सेकंड ने। लेकिन सफलता सबसे पहले किसे मिली थी, तो दाराय बाहु प्रथम या साइरस प्रथम को मिली थी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतना याद रखिएगा। अब हम शुरू करेंगे यूनानी आक्रमण, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यूनानी आक्रमण में जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वो है हकमनी वंश या सॉरी मकदूनियाई जो शासक है यानी कि सिकंदर महान, उनका आक्रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनको हम आज देखेंगे कि यूनानी जो आक्रमणकारी है मकदूनियाई शासक सिकंदर प्रथम या सिकंदर महान, जिनके गुरु अरस्तु थे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये विश्व विजेता बनना चाहते थे यानी कि पूरे विश्व को विजित करना चाहते थे। इन्होंने यूरोपीय कंट्री से जो है राज्यों को या देशों को जीतना शुरू किया और इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में बहुत सारे देशों को विजित किया था। एशिया महाद्वीप के जितने भी पश्चिमी देश थे उनको इन्होंने विजित किया और विजित करते हुए ये भारत तक पहुंचे थे। भारत में ये प्रवेश करते हैं खैबर दर्रे से, जो कि आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा में जो हिंदू कुश पर्वत है इसी में खैबर दर्रा पाया जाता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सिकंदर किस दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे, तो खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे। भारत में जो पहला इन्होंने आक्रमण किया वो तक्षशिला पे किया। तक्षशिला का जो शासक था वो आम्बी था, तो आम्बी ने युद्ध करने से पहले ही समर्पण कर दिया और जो है सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद उनसे दोस्ती कर ली या उनकी मदद देने का आश्वासन दिया, उनसे मतलब जो है आक्रमण उनसे गुजारिश की थी, ठीक है आप आक्रमण कीजिए हम आपकी मदद करेंगे। और ये एक तरीके से कहिए कि हमारे इतिहास में पहले गद्दार राजा हैं जिन्होंने विदेशियों से हाथ मिलाया था या विदेशियों का सहयोग किया था इंडियन राजा को हराने में। और उस समय जो सिकंदर को सबसे बड़ी टक्कर दी थी वो पोरस ने दी थी, जो कि उस समय झेलम के आसपास के क्षेत्रों में उनका शासन था। जो पोरस है ये काफी महान शासक थे, इनके पास बहुत विशाल सेना थी और इनके ऊपर आक्रमण करने के लिए जो है आम्बी ने जो है काफी मदद किया सिकंदर को। उस समय जब सिकंदर भारत में आक्रमण किए थे तो जो झेलम नदी थी वो काफी उफान पे थी और पोरस को लगता था कि वो सिकंदर को हरा देंगे क्योंकि उनके पास एक विशाल सेना है। लेकिन पोरस को ये अनुमान नहीं था कि सुखनती हुई नदी को सिकंदर जो है रातों रात पार कर जाएंगे। और यहाँ पे सिकंदर बहुत ही जो है वीरता का परिचय देते हुए या दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए रात में ही झेलम नदी को पार कर जाते हैं और पोरस को आक्रमण के लिए या युद्ध के लिए जो है ललकारते हैं। उस समय बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, वहां के आसपास के जो जमीन थी वहां पे दलदल हो चुका था। जो पोरस की सेना है ये वही प्राचीन पद्धति पे युद्ध करने वाले सैनिक थे, लेकिन जो सिकंदर थे उसके पास तेज तलवार घोड़े थे, उनके सैनिकों के पास तलवार थे और तीर धनुष था जो हल्के हथियार होते हैं और जिनसे युद्ध करना काफी आसान होता है, तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। दूसरी तरफ जो पोरस है उनके पास हाथी थी, रथ था और पुराने जो है शस्त्र थे जो काफी वजनी थे और उतना तेजी से वर्क नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे पोरस के हारने के पीछे उनकी टेक्नोलॉजी को बड़ा जो रीजन माना जाता है, क्योंकि बारिश होने की वजह से जमीन दलदली हो गई थी, जो रथ थे वो उस मिट्टी में चल नहीं पाए, क्योंकि सैनिकों में हाथी थी उसका संख्या ज्यादा था और उसे सैनिकों में सबसे आगे खड़ा कर दिया गया था। जिसको जब सिकंदर के सैनिक तीर से हमला करते हैं तो हाथी वापस मतलब अपने ही सैनिकों को रौंद डालती हैं, तो काफी हद तक इन सारी वजह से भी पोरस की हार हो जाती है और सेना जो सिकंदर की एक छोटी टुकड़ी के साथ सेना बड़े तेजी से आगे बढ़ती है और पोरस को बंदी बना लिया जाता है। यहाँ पे एक कहानी भी प्रस्तुत है कि जो पोरस है उनको सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया जाता है और सिकंदर उनसे पूछते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस बड़े सम्मान के साथ या बहुत जो है गंभीरता के साथ जवाब देते हैं कि जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उनके इस स्टेटमेंट से सिकंदर काफी प्रभावित हुए थे और उनसे जो है दोस्ती कर लिया था, उनके साम्राज्य के बहुत सारे हिस्सों को उन्हें वापस लौटा दिया था। तो यहाँ से जो सिकंदर की जर्नी है वो शुरू होती है। पोरस को हराने के बाद या वहां से समझौता करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और बाकी जो ब्यास नदी है, आप देखेंगे रावी नदी है, इन नदियों के आसपास के क्षेत्रों को जीतते हैं। लेकिन जब वहां पे आप देखेंगे कि उनकी जो सेना है ब्यास नदी के पश्चिमी तट तक पहुंच जाती है, तो वहां पे सैनिकों को पता चलता है कि ब्यास नदी के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो मगध साम्राज्य है जिसका जो राजा है वो बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत विशाल सेना है। इस तरह की बातों से उनके मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न होता है और बहुत सारे रीजन थे कि जो सैनिक है वो कहते हैं कि हम अब आगे युद्ध नहीं करेंगे, हमें अपने घर लौटना है। सिकंदर ने उन्हें काफी मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करने के बाद भी सेना तैयार नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन था। वो सालों से अपने घर से निकले थे और अब उन्हें अपने घरों की याद आ रही थी। बड़ी संख्या में उसमें से सैनिक मारे जा चुके थे और जो बचे हुए सैनिक थे वो डर रहे थे कि आगे कहीं हमारी भी हत्या ना हो जाए। उनके कपड़े जो है वो फट चुके थे और जो है इस तरह से उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाने से इतनी बड़ी साम्राज्य से अगर हम टकराएंगे तो निश्चित तौर पर हार हमारी ही होगी। तो यहाँ पे जो सेना है वो मना कर देती है आक्रमण करने से या युद्ध लड़ने से मना कर देती है। सिकंदर ने बहुत प्रयास किया, बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो सेना है वो बिल्कुल मानने से इनकार कर देती है और सिकंदर को ना चाहते हुए भी यहाँ से वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ता है। सिकंदर यहाँ से जब वापस लौटते हैं तो पश्चिमोत्तर के बाकी जो छोटे छोटे राज्य थे उसमें बहुत सारे गणराज्य भी थे और बहुत सारे जो थे वो राजतंत्रात्मक थे। गणराज्य में जानते हैं जहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं होता है, यानी कि जो राजा होता है वो वंश परंपरा के अकॉर्डिंग नहीं होता बल्कि उसको जनता चुनती है, और जो अगर राजतंत्रात्मक होता है इसमें राजा वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि उन्हीं के वंशज हमेशा राजा बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गणराज्य और राज्य थे जिनको सिकंदर जीतते हुए वापस लौटते हैं। लेकिन इराक के बेबिलोन नामक प्लेस पे पहुंचते हैं और वहां पे उनकी तबीयत खराब हो जाती है और बीमार होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने जब भारत से युद्ध करके वो आगे बढ़ते हैं तो अपने सैनिकों को दो मार्गों से वापस लौटने के लिए निर्देश देते हैं। उसमें से उनके दो सेनापति थे, एक निर्याकस थे, इनके नेतृत्व में जो सेना है वो जल मार्ग से वापस लौटती है अपने देश को यूनान को, और एक क्रेटेरस थे, इनके नेतृत्व में जो सेना है वो स्थल मार्ग से अपने देश को लौटती है। तो सैनिक लौट जाते हैं लेकिन जो सिकंदर है इनका बेबिलोन में मृत्यु हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सा वो ऐतिहासिक महापुरुष है जो तीन महाद्वीप से संबंधित है, यानी कि जो सिकंदर है इनकी मृत्यु यूरोप महाद्वीप में मकदूनिया में हुआ है और इनका जो मृत्यु सॉरी जो जन्म हुआ है यूरोप महाद्वीप में हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो उनका जन्म है वो यूरोप महाद्वीप के जो है बेबिलोन में ये आपका एशिया महाद्वीप में है, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन जो जन्म हुआ है यूरोप महाद्वीप में 356 ईसा पूर्व में हुआ है और यूरोप महाद्वीप में मकदूनिया उनका साम्राज्य है और वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। उनकी जो मृत्यु हुई है वो बेबिलोन यानी कि एशिया में 323 ईसा पूर्व में हुई है और उनका जो दफन किया गया है या जो उनका समाधि है वो आप देख सकते हैं सिकंदरिया 323 ईसा पूर्व में दफन किया गया था अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन महाद्वीप से संबंधित है। जन्म जो है वो यूरोप में मकदूनिया में हुआ है 356 ईसा पूर्व में, जो मृत्यु है वो 323 ईसा पूर्व में एशिया के
बेबी लोन में हुआ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। लेकिन उनका जो समाधि है या कहीं भी जहां पे उनका दफन किया गया था, अंत्येष्टि की गई थी, वो अपने का महाद्वीप में किया गया था। तो ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनका पूरा जीवन तीन महाद्वीपों में बटा हुआ है और इन्होंने तीनों महाद्वीपों में अपने परचम को लहराया था। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर के आने से भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पे छत्रप प्रणाली का शुरुआत हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि छत्रप प्रणाली का शुरुआत किन विदेशी आक्रमणकारियों के आने के बाद हुआ था भारत में, तो ये यूनानियों के आने से हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे मुद्रा का प्रचलन भी हुआ था। और इसके अलावा एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है कि गांधार कला जो है ये इन्हीं के आने से हुआ है, यानी कि भारतीयों का और यूनानियों का मिश्रण है गांधार कला, इन दोनों के संयोग से बना हुआ है गांधार कला। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे बच्चों। लेकिन और भी कुछ है पॉइंट्स, जैसे आप देख सकते हैं कि जो सिकंदर है इन्होंने दो नगर का बसाया था भारत में, एक बुका फेला अपने घोड़े के नाम पे और दूसरा जो है वो निकैया है, और जो निकैया है ये इन्होंने किया है पोरस पर विजय की स्मृति में। दो नगर बसाए हैं, एक बुका फेला जो कि इनके घोड़े का नाम था उसकी मृत्यु पर उसकी स्मृति में बसाया गया है, और दूसरा जो है निकैया पोरस पर विजय की स्मृति में इन्होंने भारत में दो नगर बसाए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सिकंदर ने भारत में कितने नगरों का निर्माण किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने अपने सैनिकों को दो भागों में बांटा था, एक जल मार्ग यानी कि नेवी, ये रेडियाकस के नेतृत्व में गया था, और क्रेटेरस के यानी कि जो नेतृत्व में गया था ये स्थल मार्ग से गया था। इसके अलावा जो सिकंदर का अंतिम विजय है ये पाटल राज्य के विरुद्ध था, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो पहला आक्रमण है वो आपने देखा था तक्षशिला के विरुद्ध था, यानी कि तक्षशिला पे आक्रमण किया था पहला सिकंदर ने, जहाँ के राजा औंधी थे। और जो दूसरा आक्रमण है याद देख सकते हैं ये जो हुआ है ये पाटल पर हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरे विदेशी हैं, यानी कि पहले विदेशी कौन थे, पारसी या ईरानी थे, और जो दूसरे विदेशी हैं वो आपके क्या है, यूनानी है, जिनको मंगोलियाई साम्राज्य का माना जाता है। यानी कि भारत पर सिकंदर महान आक्रमण करने वाले दूसरे विदेशी और प्रथम यूरोपीय है, यानी कि यूरोप के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है। लेकिन विदेशी में देखेंगे तो दूसरे नंबर के विदेशी हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया है, क्योंकि इनसे पहले ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको बताने दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधार कला का विकास हुआ था और इनके आने से यानी कि जो भारत है वो जलीय और स्थलीय दोनों मार्गों से यूरोपीय कंट्रीज से जुड़ा था, यानी कि एक नए चीज का इन्होंने जो है खोज करके भारत को दिया कि हम जलीय और स्थलीय मार्ग से दोनों मार्गों से यूरोप जा सकते हैं। तो ये जो है सिकंदर महान की वजह से ही संभव हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो सिकंदर थे जो वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने अपने प्रशासन को या प्रशासनिक जो एरिया था, जो इलाका था, जो उन्होंने अभी तक विजित किया था, उसको उन्होंने चार भागों में बांट दिया था और चारों भागों के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त कर दिया था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिंधु का उत्तरी व पश्चिमी भाग है, यानी कि जो सिंधु नदी है उसके उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो उन्होंने फिलिप को दे दिया था। सिंधु का झेलम का भाग यानी कि सिंधु और झेलम के मध्य का जो भाग है तक्षशिला के शासक आम्बी को उन्होंने दे दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं झेलम व व्यास नदियों के जो मध्य का भाग है ये उन्होंने पोरस को दे दिया था। पोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखेंगे बच्चों, एग्जाम में आया है, ये कूट मिलाने के लिए भी आया है, तो इम्पोर्टेंट है। सिंधु का निचला जो भाग था वो उन्होंने सिथोन को दिया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु का उत्तरी पश्चिमी भाग उन्होंने फिलिप को दिया है, सिंधु व झेलम के मध्य का भाग आम्बी को दिया है, झेलम और व्यास नदी के मध्य का भाग उन्होंने पोरस को दिया है, और सिंधु नदी का जो निचला क्षेत्र है वो उन्होंने पिथोन को सौंपा था। अपने साम्राज्य को या विजित अब तक के क्षेत्रों को उन्होंने अलग अलग राजाओं में बांट दिया था, और बांटने के बाद वो विजय करते हुए वापस लौट रहे थे। उसी दरमियान उनकी मृत्यु हो जाती है इराक के बेबीलोन में। आगे है कि आपने बताया गांधार कला के बारे में, यानी कि यूनानी और कला के बारे में आपको बताएंगे कि गांधार कला क्या है। ये भारतीय और यूनानियों के सम्मिश्रण से भारत में हुआ था, जन्म हुआ था इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि किन विदेशियों की कलाओं से सम्मिश्रण होकर के भारत में गांधार कला का विकास हुआ था, इंपॉर्टेंट है। भारतीय और यूनानी, भारतीय प्लस यूनानी
कि मिस्टर से गांधार कला का विकास हुआ था, गांधार कला का विकास हुआ था। गांधार कला की क्या विशेषताएं है, एग्जाम में आता है कि गांधार कला की क्या विशेषताएं है, तो ये जो गांधार कला है इसमें जो पत्थर का उपयोग किया जाता था वो नीले कलर की हुआ करते थे या स्लेटी कलर की हुआ करते थे, यानी कि गांधार कला में जो पत्थर का उपयोग किया जाता था वो नीले या स्लेटी कलर के होते थे या रंग के होते थे। दूसरा क्या है, जो गांधार कला है इसमें जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें धार्मिकता को नहीं बल्कि लौकिकता को दिखाया जाता था, यानी कि यहाँ पे लौकिक चीजें हैं, लौकिकता को दिखाया जाता था। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे जो भी आपकी मूर्तियां बनी थी उस समय वो मूर्तियां जो है वो शरीर की खूबसूरती को ज्यादा उकेरी गई है, यानी कि जो बॉडी है या जो शरीर है उसमें मसल्स को मांसपेशियों को उखरा हुआ दिखाया गया है, मांस पेशियों को उभरा हुआ दिखाया गया है, ये जो गांधार कला है इसमें ज्यादातर जो मूर्तियां बनी हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। इसको जो संरक्षण दिया था उस कुषाणों ने भारत में गांधार कला को संरक्षण दिया था। एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि गांधार कला को किस राजवंश ने संरक्षण दिया था, तो कुषाण वंश ने दिया था। इसमें सबसे ज्यादा जो मूर्तियां बनी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जो शरीर दिखाया गया है बना करके इसमें मांसपेशियां उभरी हुई दिखाई गई है, इसमें लौकिकता पर ज्यादा ध्यान दिया गया, यानी कि आध्यात्मिकता की कमी है, और ये नीले और स्लेटी रंग के बनाए गए हैं। आप इसमें देखेंगे जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हैं उसमें मूर्ति के पीछे प्रभामंडल बना हुआ है और वो भी काफी चमकदार है, यानी कि प्रभामंडल चमकदार है या सजाया गया है। जो इन्होंने कपड़े पहनाए हैं भगवान बुद्ध को वो पारदर्शी कपड़े या सिल्वट युक्त। जो गांधार कला में भगवान बुद्ध को कपड़े पहनाए गए हैं वो पारदर्शी है या सिल्वट युक्त है। इसके अलावा ये जो प्रभामंडल है, प्रभामंडल में होता है कि सर के पीछे जो लाइटिंग होती है राउंड में, उसको प्रभामंडल कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके गांधार कला से संबंधित है। ये भारतीय और यूनानियों के सम्मिश्रण से इस कला का विकास हुआ था, जिसमें इतने सारे पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा उस समय भारत में कुछ और भी कलाओं का विकास हुआ था, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देती हूँ, थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी कंपेयर करने को आ जाता है कि कौन सी कला की क्या विशेषताएं हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये तो था आपका गांधार कला। इसके अलावा दो और कला है, एक है मथुरा कला और दूसरा है अमरावती कला। गांधार कला और मथुरा कला और अमरावती कला तीन तरह की कला है, मूर्ति कला है। ये तीनों क्या है, मूर्ति कला है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कलाएं होती हैं, तो ये मूर्ति कला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधार कला आपने समझ लिया, अब मथुरा कला को समझ लेते हैं। इसमें जो पत्थर है वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो प्रयोग किया गया है वो संगमरमर का किया गया है। एक एग्जाम में आया है कि मथुरा कला में कौन से कलर के पत्थरों का या किस पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। और ये भी पूछा है कि अमरावती कला में जो पत्थर है वो किस तरह के पत्थर है, तो ये संगमरमर पत्थर का उपयोग किया गया है। ये जो मथुरा कला है
ये मथुरा के आसपास यानी कि जो यूपी का मथुरा है, मथुरा के आसपास या मथुरा में इसका डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, मथुरा में विकास हुआ था, मथुरा में विकास हुआ। और जो आपका अमरावती है, इसका विकास जो हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। जो आपका मथुरा कला है, इसमें बौद्धों के अलावा और भी धर्मों के मूर्तियां पाई जाती हैं, यानी कि बौद्धों के अलावा और भी जो है धर्म की मूर्तियां पाई जाती हैं, धर्म की मूर्तियां पाई जाती हैं। इस कला में जो बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, उसमें भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं उनको उकेरा गया है, या जिनको जातक कथाओं को उकेरा गया है, यानी कि इस तरह की कला में या मूर्ति कला में जातक कथाओं, जातक जो कि भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित है, जातक कथाओं का तथा आम जन जीवन का उल्लेख है, आम जन जीवन का उल्लेख है। जो आप देख रहे मथुरा कला है, इसको संरक्षण भी कुषाणों ने दिया है, कुषाणों ने दिया है, और इसको जो संरक्षण दिया है वो सात वाहनों ने दिया है, सात वाहनों ने दिया है। इसमें जो भी है वो भगवान बुद्ध की जातक कथाओं से संबंधित है या आम जन जीवन से संबंधित है, और इसमें जो मूर्तियां बनी हैं ये आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक मूर्तियां हैं, और बहुत शांत मुद्रा में, या कहिए कि जो है बहुत यहाँ पे जो भगवान बुद्ध है उनको बहुत शांत मुद्रा में और बहुत सिंपल मुद्रा में दिखाया गया है, यानी कि जो शरीर है उसमें मसल्स नहीं है। यहाँ पे भगवान को वस्त्रहीन दिखाया गया है। गांधार कला में भगवान बुद्ध की मूछे हैं और उनके घुघराले बाल हैं, लेकिन जो आपका मथुरा कला है इसमें उनको जो है बाल विहीन और वस्त्र विहीन दिखाया गया है, और बहुत सिंपल और साधारण मूर्तियां बनी है, साधारण मूर्तियां बनी है, और बाल विहीन और वस्त्र विहीन है, बाल विहीन और वस्त्र विहीन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी कि आप जो देखेंगे गांधार का कला का विकास वो पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में हुआ है, मथुरा कला का विकास मथुरा में हुआ है, अमरावती कला का विकास आंध्र प्रदेश में हुआ है, जो गांधार कला है उसमें नीले स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है, मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, अमरावती में संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। मथुरा कला का जो विकास है ये मथुरा में हुआ है और आंध्र में और उत्तर पश्चिम में हुआ है। बौद्ध धर्म के अलावा इसमें और भी मूर्तियां पाई जाती हैं, जबकि गांधार कला में सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। यहाँ पे बुद्ध के जीवन यानी कि जो पुनर्जन्म की कहानियां या जातक कथा की कहानियां उकेरी गई है, साथ में आम जन जीवन का उल्लेख किया गया है। जो आप देख सकते हैं मथुरा कला को और गांधार कला को संरक्षण कुषाणों ने दिया है, लेकिन जो अमरावती कला है इसको संरक्षण सात वाहनों ने दिया है। जो गांधार कला है उसमें आध्यात्मिकता को नहीं बल्कि लौकिकता को दिखाया गया है, भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो उनकी मतलब जो काफी मसल्स दिखाए गए हैं, जो मूर्तियां हैं वो काफी एक तरीके से कहीं हृष्ट पुष्ट दिखाई गई है, और सर के पीछे प्रभा मंडप काफी चमकदार है, सजावट है, उनके घुघराले बाल बनाए गए हैं, मोच बनाए गए हैं, उनको पारदर्शी सिलवटे युक्त वस्त्र पहनाए गए हैं, और कहीं कहीं पे चप्पल यानी कि स्लीपर भी भगवान बुद्ध को पहनाया गया है गांधार कला में। लेकिन मथुरा कला में आप देखेंगे तो मूर्तियां काफी सिंपल है, साधारण है, आध्यात्मिकता पे फोकस किया गया है। भगवान बुद्ध को मथुरा कला में वस्त्र विहीन दिखाया गया है और उनको बाल विहीन दिखाया गया है, और ज्यादातर पद्मासन मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में इस तरह से दिखाया गया है। और अमरावती में तो आप जान ही रहे हैं कि वहां उनकी पुनर्जन्म की कहानियां या जातक कथा है, इसके साथ साथ आम जन जीवन से भी संबंधित है।
तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आप ये तीनों कलाओं के बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है तो बार बार रिवाइज कीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे पॉइंट को नोट कीजिएगा, बार बार रिविजन कीजिएगा। आई होप आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा, बहुत मददगार होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।